हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो रात का समय, अभी रात के 10 बज रहे थे और कल है बेटे का बर्थडे, तो बस उसके लिए गुलाब जामुन बना रहे थे। तो मैंने सीमा पाउडर का जो मार्केट में मिलता है बाबा गुलाब जामुन वाला, वही मंगाया था। मेरे बच्चों को घर का गुलाब जामुन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है मार्केट से ज़्यादा, और ये वाला बेटा बोला था कि घर पे ही बनाना, बाकी कोई मिठाई मत बनाना गुलाब जामुन। तो बस मैंने 400 ग्राम वाला पैकेट मंगाया था, उसमें एक चम्मच घी डाल दिया था और गुनगुना दूध लेके उसको जो है हल्का सा छीटा मार मार के अच्छे से गूंथ के सान लिया था। जितना ही ज़्यादा मल के आप इसको गूंथते हैं उतनी ही ज़्यादा गोलियाँ अच्छी होती हैं और फटती नहीं हैं। तो बस एकदम एक ही बार में दूध मत नहीं डाले, अगर दूध नहीं है तो पानी से भी इसको गूंथ सकते हैं। फिर 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। फिर इधर सीरा बनाने के लिए मैंने लिया था 3 गिलास, छोटे वाले गिलास से 3 गिलास मैंने चीनी लिया था और उसी गिलास से मैंने 6 गिलास पानी डाला था। यानी सीधे दूना पानी डालते हैं क्योंकि एक तार की चाशनी बनती है तो इसमें ज़्यादा मतलब पूरा सीरा भीनने के लिए चाहिए। तो बस मैंने रख दिया था गैस को लो से मीडियम करके, एक तरफ सीरा बनने लगा था, जब सीरा बन गया था तब मैंने जो है 10 मिनट हो चुका था और ये आटा जो है रेस्ट कर चुका था। फिर इसकी मैंने छोटी छोटी गोलियां बना ली थी, जैसी साइज आपको पसंद है उसी साइज के हिसाब से आप गोलियां बना सकते हैं क्योंकि तेल डालने पर गोलियां बड़ी होती हैं और फिर जब उसको सीढ़ी में डालो तो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती हैं। तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे साइजों में गोलियाँ बनाई थी। बना के सारी गोलियों को सूती कपड़े से भिगो के और अच्छे से उसको पानी उसका निकाल के फिर उससे ढक दिया था। फिर इधर जो है सीरा हमारा लगभग तैयार हो चुका था तो इसमें मैंने डाल दी थी इलायची, आप चाहे तो दो मैंने इलायची डाला था कूट करके, आप चाहे तो इसमें जो है थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कलर नहीं डाला था, बिल्कुल वैसे ही रखा था। इधर तेल जो रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया था, गैस को एकदम लो कर दिया था, नहीं तो ये अंदर से जो है टाइट हो जाएगा और कच्चा रह जाता, और लो गैस पे बनाने पर काफ़ी ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एकदम गैस को लो कर दिया था और इसमें डालती गई थी, क्योंकि तेल काफ़ी अच्छे से गर्म पहले कर लिया था तो बस तुरंत ही हो जाता है। बहुत ही जल्दी गुलाब जामुन 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, एकदम टाइम नहीं लगती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यमी होती है। तो बस मैंने गैस को फिर से थोड़ा सा हल्का सा मीडियम करके और इसको जो है पका लिया था। अगर आपको कलर एकदम जो है ब्लैक करना है तो आप लास्ट में थोड़ा सा गैस को जो है हाई करके और उसका कलर बदल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ब्लैक नहीं किया था। तो इसको बस जो है अच्छे से चलाते हुए और फिर जो है जब अच्छे से हो जाए तब एक तरफ चलाते हुए इसको मैंने बना लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी गुलाब जामुन बना था, एकदम सॉफ्ट बनी थी, मुंह में घुल जाने वाली। बस ये जो है एकदम रेड हो गई थी तो बस मैंने इसको निकाल दिया था। निकालते ही गर्मा गर्म इसको सीढ़े में डाल देते हैं, यानी सीढ़ा जो है वो एकदम गर्म होना चाहिए, चाशनी एकदम गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो ये बस मेरी गुलाब जामुन एकदम जो है तैयार हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने बनाया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बज रहे हैं और देखिए इधर जो है दाल बैठा दिए हैं, दाल बन रही है, दाल चावल रोटी सब्जी बना लेंगे। आज है बेटी का बर्थडे तो रात में 12 बजे तक बोला था गुलाब जामुन, उसे मार्केट का गुलाब जामुन नहीं पसंद है, घर का जो गुलाब जामुन होता है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बोला गुलाब जामुन बनाना तो बनाए। काफ़ी रात हो गई, 12:15 बजे सोने गए थे, सुबह उठ के कई आज छुट्टी है सबकी तो पूरा क्लीनिंग का काम खत्म किए हैं, खत्म करके नहा के पूजा करके अभी आ रहे हैं। अभी दाल हो गई है, चावल बैठा दिए, सब्जी रोटी बना के सब लोग को खाना दे देंगे और साथ में चाय बिस्किट नाश्ता हो जाएगा। आज नाश्ते के चक्कर में नहीं पड़ेंगे नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगी, ताकि छोटा दिन हो रहा है तो काम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शाम को बनेगी छोले पूरी और देखिए क्या क्या, अभी बहुत कुछ डिसाइड नहीं हुआ, ज़्यादा लोग नहीं है, घर ही के लोग हैं तो फिर 10-15 लोग हो जाएंगे। तो बस यही है, तो बस चलिए बना लेते हैं, फिर आप लोग देखते हैं। तो बस मॉर्निंग में खाना बना लिया था, पूजा पाठ कर लिया था, तो अभी सारी तैयारियां मैंने जो है दिन भर करती रही थी जन्मदिन की। तो मेरी भाभी जा रही थी तो सब हम लोगों ने मिल के जो है मिक्स वेज बना लिए थे, उधर बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, साथ में हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर बच्चों ने मंगा लिया था पिज्ज़ा, फरमाइश थी तो सब ने जो है सबसे पहले पिज्ज़ा खा लिया था। पिज्ज़ा खा लेने के बाद फिर केक कटिंग होना था, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था, काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, अब बहुत ज़्यादा नहीं, बस अपने ही घर के लोग आए थे
तो बस ये पिज्ज़ा आ गई थी, 5 पिज्ज़ा मैंने मंगाया था, इसमें सब एक एक लेके खा लिए थे, तो ये हो गई थी पिज्ज़ा पार्टी भी। काफ़ी दिनों के बाद बच्चों की काफ़ी दिनों से फरमाइश थी, तो मैंने कहा था कि मैं बर्थडे के दिन मंगा दूँगी, तो बस मंगाया था और खा लिया था। खा लेने के बाद फिर केक कटिंग जो है होना था, तो बस ये हो गई थी। सबसे पहले मैंने तिलक कर दिया था बेटे को और उसके बाद केक कटिंग हो गई थी। दिखा दो इधर सबको, उधर सबको दिखा दो, देखिए बाबा इधर इधर सबको दिखा दो। काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे हो गया था, काफ़ी वीडियो बहुत कम बना था, बच्चों ने बनाया था, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। फिर उधर जो है हमने जो है आ गए थे नाश्ता लगाने, तो नाश्ते में केक था, गुलाब जामुन जो बनाया था, साथ में मटर मंगाई थी, ये हो गया था, टॉफी बच्चों के लिए था, तो सबको नाश्ता दे दिया था, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। फिर खाना जो है हम लोगों ने सारा कुछ बना लिया था, पुलाव बना लिया था, मिक्स वेज हो गया था, छोले बन गए थे, साथ में सेवई भी बनाई थी मैंने। खाना उसके बाद सिप्पू आटा सान गूंथ के हम लोगों ने रख दिया था, तो पूड़ियाँ बस छनती गई थी और सब लोगों ने मिल के खिला लिया था। सबसे पहले बच्चों ने खा लिया था, उसके बाद बड़ों ने खा लिया था। वीडियो बहुत कम बना है, तो बस खा लेने के बाद फिर हम सब लोगों ने खा लिया था एक साथ, तो बस 10 से 10 बजे तक सारे लोग खा करके चले गए थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, छोटा सा सेलिब्रेशन था, लेकिन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते बाय। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और ये कुछ फ़ोटो बस मैंने लगा दिया है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।